Good morning, students. How are you? Fine? Okay. Today we will read a very interesting poem. Name is Adventures with Book. How can you do adventures with book? Adventures, वो काम जिसमें excitement होता है, आपको बहुत मजा आता है, आप books के साथ कैसे कर सकते हो? Come, let us find out. Books are ships that sail the seas. Books are like those ships that sail the seas. Sail means it is a trip in a boat. जो books होती हैं वो ships के जैसी होती हैं, जो आपको समुद्र के अंदर एक trip पे लेके जाती हैं. To lands of snow or jungle trees. And when you sail in the ship, during your trip in the sea, you go in the land of snow or you see jungle trees. जब आप समुद्र में शिप में बैठ के सेलिंग करते हो तो आप बर्फ की जमीन पे जाओगे, आप जंगल के ट्रीज भी देखोगे. एंड आई एम द कैप्टन बोल्ड एंड फ्री. एंड आई एम द कैप्टन, हु इज़ द कैप्टन? बेटा कैप्टन जो है वो नरेटर है, जो आपको ये पोयम बता रहा है, जो आपको ये पोम सुना रहा है. तो वो क्या कह रहा है कि मैं कैप्टन हूँ, और मैं कैसा कैप्टन हूँ? बोल्ड एंड फ्री. आई एम बोल्ड एंड फ्री. मैं इस शिप का कैप्टन हूँ और मैं कैसा इंसान हूँ? मैं बोल्ड एंड फ्री हूँ. हु विल डिसाइड विच प्लेस वी विल सी? सो कैप्टन, कैप्टन हु इज़ द कैप्टन? नरेटर. कैप्टन जो है वो ये कह रहा है कि मैं ही डिसाइड करूँगा कि हम कौन कौन सी जगह घूम के आएंगे. द कैप्टन इज सेइंग, द नरेटर इज़ द कैप्टन, ही इज़ बोल्ड एंड फ्री एंड ही इज़ सेइंग कि आई एम द वन हु विल डिसाइड दैट विच प्लेसेस वी विल सी ड्यूरिंग अवर जर्नी. कम लेट अस सेल द मैजिक शिप. तो मैजिक शिप किसको बोला है? मैजिक शिप इस शिप को बोला है जो शिप आपको समुद्र के बीच में ले जाके आपको बर्फ की जमीन पे ले जाएगा, आपको जंगल दिखाएगा, आपको और बहुत सुंदर सुंदर सीन दिखाएगा. तो इस तरह का जो शिप है वो कैसा शिप है? मैजिक शिप. तो हम सब चलते हैं, कैप्टन सबको इनवाइट कर रहा है कि चलो सभी चलेंगे इस मैजिक शिप की जर्नी करेंगे. हाउ कैन वी डू द जर्नी ऑफ दिस मैजिक शिप स्टूडेंट्स? यस, हैव यू एनी आइडिया? ओके, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड. सपोज यू परचेज अ बुक, अ स्टोरी बुक, द स्टोरी बुक विच इज़ अबाउट द सेलिंग इन द ओशन. आप कोई बुक खरीदते हो ओशन में सेलिंग करने की, तो जब आप उस बुक को पढ़ोगे और उस बुक के अंदर वो सारी बातें होंगी कि आपने समुद्र के बीच में ये चीज़ें देखी, सुंदर सुंदर नेचर का आप डिस्क्रिप्शन उसमें पढ़ोगे, तो व्हाट यू विल एट वन टाइम व्हाट यू विल फील, आपको ऐसा फील होगा जैसे कि आप उस समुद्र के बीच में खुद ही खड़े हो. आपको ये नहीं लगेगा आप बुक पढ़ रहे हो, आपको लगेगा आपने खुद ही जर्नी कर ली. दैट्स वाई दिस शिप इज़ अ मैजिक शिप. ओके, नाउ लेट्स गो टू सेकेंड स्टैंजा. Books are trains in many lands. Now the poet is saying, the narrator is saying कि books are like the trains. Earlier in stanza one, books were the ships. Now books are the trains. Books जो है वो train के जैसी हैं जो बहुत जगह घूमती हैं, crossing hills or desert sands. और ये जो train है ना, train यानी कि जो books हैं, ये आपको कहाँ कहाँ ले जाएंगी? Hills को cross कराएंगी, desert sands के पास ले जाएंगी. And आई एम द इंजीनियर हु गाइड्स. और ऐसी ट्रेन का कौन इंजीनियर है? नरेटर कौन है? नरेटर इज द इंजीनियर. नरेटर कह रहा है कि इस शिप का, इस ट्रेन का मैं इंजीनियर हूँ जो कि गाइड करता हूँ ट्रेन को ऑन इट्स एक्साइटिंग राइड्स. ट्रेन कहाँ कहाँ जाएगी, कितनी एडवेंचरस जर्नी, कितनी एक्साइटिंग जर्नी ट्रेन करेगी, वो मैं ही डिसाइड करता हूँ. कम लेट अस राइड द मैजिक ट्रेन. तो चलो चलते हैं और हम मैजिक ट्रेन की जर्नी को एंजॉय करते हैं. नाउ इन द थर्ड स्टैंजा द पोइट इज सेइंग कि बुक्स आर जूज दैट मेक अ होम. बुक क्या है? बुक एक चिड़ियाघर के जैसे हैं. चिड़ियाघर, चिड़ियाघर में क्या होता है बेटा? चिड़ियाघर में अलग अलग एनिमल्स होते हैं केज के अंदर, और वहाँ पे आपने देखा है वो फ्रीली मूव नहीं कर सकते. तो ऐसे ही बुक के अंदर क्या है? बुक क्या है? बुक है एक जू जो कि चिड़िया, जो कि अलग अलग, फॉर बर्ड्स एंड बीस्ट एंड नॉट फ्री टू रोम. रोम मीन्स टू मूव. जो कि अलग अलग बर्ड्स और बीस्ट मीन्स एनिमल्स, एनिमल्स का घर होते हैं.
जैसे कि जू में से बर्ड्स और बीस्ट एनिमल्स बाहर निकल के नहीं जाते, आपको कोई डर नहीं होता जब आप उसको देखने आते हो जू को, यू डू नॉट फियर एट ऑल बिकॉज यू नो दैट नो एनिमल विल कम आउट ऑफ द केज. सो इन द सेम वे यू कैन रीड द बुक्स अबाउट द एनिमल्स, अबाउट द वेरियस एनिमल्स, वेरियस वाइल्ड एनिमल्स, अबाउट वेरियस बर्ड्स, वेरियस इंसेक्ट्स. वेन यू विल रीड द बुक्स, वट यू विल फील, यू विल फील दैट यू आर इन अ जू एंड आई एम द कीपर ऑफ द जू. द नरेटर इज सेइंग दैट आई एम द कीपर, आई एम द गार्ड ऑफ द जू. आई चूज द थिंग्स टू शो डू टू यू एंड आई विल चूज कि वट काइंड ऑफ एनिमल्स, वट काइंड ऑफ बर्ड्स यू विल सी. सो मैं डिसाइड करूँगा, मैं गार्ड हूँ जू का और मैं डिसाइड करूँगा कि हम कौन कौन सी चीज़ें देखेंगे. कम लेट अस विजिट इन अ जू. सो स्टूडेंट्स लेट अस गो विद द कीपर, द गार्ड ऑफ द जू टू विजिट अ जू. एंड ओके, हुम डू यू थिंक हियर कीपर इज, और द इंजीनियर और द कैप्टन? दे आर नन एल्स देन यू. यू मीन्स यू और आई. द वन हु इज रीडिंग द बुक, द वन हु इज रीडिंग द बुक इज द कैप्टन, द वन हु इज रीडिंग द बुक इज द इंजीनियर, द वन हु इज रीडिंग द बुक इज द कीपर ऑफ द जू, बिकॉज वी आर द वन हु डिसाइड विद वट काइंड ऑफ द बुक्स वी विल रीड. नेक्स्ट लास्ट एंजा, बुक्स आर गार्डन्स, फेरीज एंड एल्व्स. बुक्स आर गार्डन्स, दे आर फेरीज, दे आर एल्व्स. एल्व्स आर द ह्यूमन लाइक बॉडीज विथ सुपर नेचुरल पावर्स. यू कैन से वो छोटी छोटी परियाँ होती है. एल्व्स छोटी छोटी परियों को बोला जाता है, स्मॉल फेरीज. काउबॉयज एंड पीपल लाइक अर्सेल्व्स. काउबॉयज आर द पीपल हु स्पेंड देयर लाइफ फ्रीली विदाउट एनी टेंशन. सो काउबॉयज एंड पीपल लाइक अर्सेल्व्स. बुक्स एक गार्डन के जैसे हैं, परियों के जैसे हैं, छोटी छोटी परियों की जैसी हैं, जहाँ पे हम लोग फ्रीली लाइफ को एंजॉय करते हैं. एंड आई कैन फाइंड विद वन गुड लुक जस्ट वट आई वॉन्ट इन साइड द बुक. सो वेन एवर आई डिसाइड टू रीड द बुक, आई कैन डिसाइड बाय लुकिंग एट इट्स कवर पेज. इफ आई एम एट द शॉप ऑफ अ बुक एंड आई हैव टू परचेज सम स्टोरी बुक, तो आई कैन डिसाइड बाय हैविंग जस्ट वन लुक दैट वट काइंड ऑफ द बुक आई वॉन्ट एंड इन दैट पर्टिकुलर बुक वट story can be there. And the story can be about the forest, about land of snow, or it may be about the animals, it may be about the gardens, it may be a fairy tale, it may be a adventure story, it may be a fiction story. So just what I want inside a book, तो मुझे जो भी book में चाहिए वो मैं decide कर लूँगा. मुझे fairy टेल देखना है, पढ़ना है, या मुझे कोई एडवेंचर स्टोरी पढ़नी है, मुझे किसी राजा की स्टोरी पढ़नी है, मुझे परियों की कहानी पढ़नी है, सब मैं उस बुक को देखने से जान जाऊंगा. कम लेट अस रीड फॉर रीडिंग्स फन. सो पोएट इज सेइंग कि कम कम विद मी, लेट अस डेवलप द हैबिट ऑफ रीडिंग द बुक्स बिकॉज रीडिंग इज अ फन. पोइट क्या कह रहा है कि हम हैबिट डेवलप करते हैं रीडिंग की. सभी लोग बुक्स पढ़ना शुरू करो, स्टोरी बुक्स पढ़ना शुरू करो, क्योंकि जो स्टोरी बुक्स होती है उनको पढ़ना एक फन होता है. दैट्स ऑल.